से घुमाना है, फिर कागज के ऊपर रख देना है और फिर कागज को मोड़कर बंद कर देना है। और एक बात खास ध्यान रखनी है कि आपको ये उपाय पीले रंग के आसन पर ही करना है और स्नान करने के बाद ही करना है। और ये उपाय करने के बाद आपका जो कागज इसमें चावल रखते हैं उसको किसी भी छोटी डिब्बे में बंद करके किसी भी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना है। और यकीन मानिए, जैसे ही आप ये कार्य करके घर आएंगे, वो इंसान आपके वश में हो चुका होगा, आपकी सारी बात मान जाएगा। अगर दोस्तों आप कहीं देश विदेश में रहते हैं या फिर किसी कारणवश ये कार्य करने में असमर्थ हैं या आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं, तो ये कार्य आप गुरु माता जी से भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमें कॉल करके गुरु माता जी से अपने नाम के अनुसार, राशि के अनुसार अपना मंत्र ले सकते हैं। तो देर ना करें, जल्द से जल्द हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टोटके लेकर आते हैं जिन्हें आप अपनाकर अपने जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। जिनको अगर आप अपना लेते हैं तो आपको अपने जीवन में कभी भी किसी परेशानी को नहीं झेलना पड़ेगा। आपके जीवन के हर परेशानी का हल हमारे बताए गए टोटकों से होता है। अगर सही तरीके से आप इन टोटकों का प्रयोग करते हैं तो आपको कभी भी कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों आजकल हम अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी परेशानी से तो जूझ ही रहे होते हैं। ऐसे में हम अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, कोई ऐसा हल चाहते हैं कि जिससे हम अपनी परेशानियों को समाप्त कर सकें, अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। क्योंकि इन परेशानियों के चलते हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते, अपनों को टाइम नहीं दे पाते और अपने लिए एक नई परेशानी को भी खड़ा कर लेते हैं। हमारी परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है। कई बार हमारे ऑफिस का वर्कलोड ज़्यादा होता है, कई बार परिवार में कलह ही ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर हमारा प्यार हमसे दूर चला जाता है, हमारा पार्टनर हमसे अलग होने की बात करता है, वो पार्टनर जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वो जब हमसे दूर जाएगा तो दुख तो होगा ही, जीवन में कुछ भी सही नहीं रहता। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब सही रहे तो आपको सही तरीके और सही विधि को अपनाना है जिससे आप अपने जीवन को खुशहाल रख सकें। आज विधि से टोटका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो सिर्फ चावल के दानों का टोटका है।